नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट समुच्चय के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट सेट्स कैसे तैयार होते हैं, किसको कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं और उनका यूनिवर्सल सेट यानी पूरक समुच्चय हमने ज्ञात किए थे और पूरक समुच्चय पे हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि कॉम्प्लीमेंट सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि समुच्चयों पर ऑपरेशंस संक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। कुछ संक्रियाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से उन संक्रियाओं को मैं रिपीट करता हूँ और उनके बारे में हम डायग्राम सीखेंगे जिसे वेन आरेख कहा जाता है। वेन आरेख किस प्रकार से बनता है, किस स्थिति का या किस संक्रिया का, आइए अपन बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में समुच्चय पे संक्रियाएं। और वह संक्रियाएं कौन सी है, सबसे पहले हम यदि बात करें तो यूनियन की बात करते हैं। समुच्चयों का यूनियन किस प्रकार से ज्ञात होता है, सबसे पहला बिंदु यह है हमारा, जिसको हम समुच्चयों का संघ या सम्मिलन भी कहते हैं। यूनियन से तात्पर्य ये है कि दो या दो से अधिक समुच्चयों के लिए यूनियन वह समुच्चय है जिसमें उन दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव सम्मिलित हो परंतु कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता। यानी ए बी सी का यूनियन चाहिए तो यूनियन में ए वाले सदस्य भी हो, बी वाले भी हो, ए बी वाले भी हो, बी सी वाले भी हो, ए सी वाले भी हो और ए बी सी वाले भी हो। ए बी से मीनिंग है कि ए और बी में जो कॉमन है वो भी हो, बी सी से मीनिंग है बी और सी में जो कॉमन है वो भी हो, ए सी से मीनिंग है ए और सी में जो कॉमन है वो भी हो और ए बी सी से मीनिंग है ए बी सी तीनों में जो एक जैसा है, समान है, कॉमन है, सर्वनिष्ठ है वो भी हो, तो उसको बोलते हैं हम यूनियन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक समुच्चय ए है, उसमें मैंने सदस्य लिखे हैं 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी में मैंने सदस्य लिए हैं 4 5 6 7 और 8। अब मुझे यदि ए यूनियन बी चाहिए तो मैं ए वाले सभी सदस्य लूंगा, बी वाले भी सभी लूंगा और ए बी वाले भी लूंगा, ए बी वाले मतलब जो कॉमन है वो भी, पर कोई भी सदस्य दो बार नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये यूनियन हो गया। अब देखो 4 5 यहाँ है तो इसमें भी ये देखो, इसको मानो तो बी हो जाएगा, इसको मानो तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा है कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय या उभयनिष्ठ सॉरी जो यूनियन है संघ समुच्चय सम्मिलन है उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें ए वाले भी हो और बी वाले भी हो और ए बी वाले भी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो ये हुआ दो समुच्चयों का यूनियन। यहाँ पर दो से अधिक समुच्चय भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनका हम यूनियन इसी प्रकार से निकालेंगे कि उन सबके सदस्य इसमें आ जाएं। अब इसका एक सूत्र बनता है स्टूडेंट्स, वो देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इज इक्वल ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जो ए और बी में कॉमन है ना उसको हटा देते हैं, ए वाले सारे यानी 1 2 3 4 5 आता, बी वाले भी सारे आते 4 5 6 7 8 आता,
पर क्या हटा देते हैं, जो कॉमन है, कॉमन कौन है, 4 5। तो हमने दो बार 4 5 लिखा, 1 2 3 4 5, फिर 4 5 6 7 8, एक बार वाला 4 5 हट जाता तो एक बार वाला 4 5 ही बचता, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाता। यहां पर हमारे पास एक्चुअल में जो ये फॉर्मूला बनता है वो ए यूनियन बी में सदस्यों की संख्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटर एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए के सदस्यों की संख्या प्लस बी के सदस्यों की संख्या माइनस दोनों के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो दोनों में उनकी संख्या कितनी है वो माइनस कर दी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता कि ए में कितनी संख्या थी, 5, बी में कितनी संख्या थी, 5, दोनों को जोड़ते कितने होते साहब, 10, पर कितने हैं दोनों में कॉमन, 2 सदस्य, कौन कौन है, 4 एंड 5 कॉमन है दोनों में, तो हम 5 प्लस 5 10, 10 में से 2 माइनस करते कितना आता आंसर, 8 आता। तो ए यूनियन बी में सदस्य कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, काउंट करिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी, एलिमेंट्स की संख्या कितनी, सदस्यों की संख्या कितनी, ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको यहां लिखकर बताया, ये रहा। ओके आया समझ में, नेक्स्ट की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। देखिए आप देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ भी बोलते हैं सर, और इसे नॉर्मली कॉमन भी बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूं तो मेरे पास एक सीट है जिसमें ए बी सी ओ डी है, दूसरा मेरे पास बी सीट है उसमें सी डी ई और एफ है। आपको देखने से पता चल रहा है कि ए और बी में कॉमन क्या है, सी एंड डी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसे उल्टे यू से लिखते हैं, इंटरसेक्शन या कॉमन को या सर्वनिष्ठ को उल्टे यू से लिखते हैं, इसे हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया, सी ओ डी, दो एलिमेंट आए जो दोनों में कॉमन थे, जो दोनों में उभयनिष्ठ थे, जो दोनों में सर्वनिष्ठ थे, वो आगे ए और बी में इंटरसेक्शन में लिखे गए। तो ये दूसरा जो हमारा जो समुच्चय पर संक्रिया थी वो है सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, कॉमन या इंटरसेक्शन की है। हम थर्ड बात करते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे पास वेन आरेख, वेन आरेख कैसे शो होता है, यानी हम इसका ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो होगा वेन आरेख कहलाएगा। इन्हीं समुच्चयों पर होने वाली जो संक्रियाएं हैं उनका ज्यामितीय जो निरूपण होता है उसे वेन आरेख कहा जाता है। देखिए जैसे मैं यहां पर इसकी बात कर लेता हूं, देखिए तो इसका जो वेन आरेख कैसा बनेगा, ये तो यू हो गया, जो मैंने आयत बनाया वो यू है, ये ए है और ये बी है। ए में होने चाहिए ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और बी में होना चाहिए सी डी ई और एफ। देखो स्टूडेंट्स मैंने दो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन थे सी ओ डी, उस उन दोनों को ए और बी का जो कॉमन एरिया है वहां लिखा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में सी ओ डी है, वो किसकी जगह आएंगे, कौन से पार्ट में आएंगे, उस एरिया में आएंगे जिस जो एरिया ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। आइए आगे देखते हैं, बात करें, ये हो गया इनका कॉमन एरिया, ऐसे थोड़ा सा मैं डार्क करता हूं उसको। ओके ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख। ओके यदि मैं ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाना चाहता हूं
यूनियन बी का वेन आरेख जब बनाऊंगा मैं तो कैसा होगा? इसे तो यू लिखेंगे, ये ए है, ये बी है, यानी यहां पर ए बी सी डी ई और एफ, ये तो एलिमेंट मैंने शो कर दी, और इस पूरे को मैं डार्क कर दूं पूरे पार्ट को, क्योंकि इसमें ए वाले भी होंगे, यानी जो अकेले ए में है कौन? ए और बी, अकेले ए, अकेले ए में कौन पड़ा है? ए और बी, अकेले बी में कौन पड़ा है? ई और एफ, और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन कौन पड़ा? सी और डी। तो ए यूनियन बी में अकेला ए भी आता है, अकेला बी भी आता है, और ए और बी का कॉमन पार्ट भी आता है, तो ये ए यूनियन बी को शो करता है, ये ए यूनियन बी को दर्शाता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला है वो ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट यदि ए माइनस बी की बात करते हैं, ए माइनस बी की हम बात करें, तो यहां बनाऊंगा ए माइनस बी का मैं, इस पूरे को तो यू लिखते हैं, ये ए है और ये बी है, ये रहा ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या होगा कि ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हट जाता है। मैंने आपको बताया था ए माइनस बी का मीनिंग होता है कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी हट जाएगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो ए में से कम हो जाता है, फिर जो बचता है उसे ए माइनस बी कहते हैं। तो ये ए माइनस बी का वेन आरेख है। अब नेक्स्ट की बात करें, यदि मैं बी माइनस ए की बात करता हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर a माइनस बी लिया है, वैसे ही बी माइनस ए में केवल b, ओनली b वाला पार्ट डार्क करना है, शेडेड करना है, छायांकित करना है, समझ में आ गई। इसको हम ये भी बोलते हैं, देखिए यहां पर जो ये लिखा है इसको हम ओनली a भी बोलते हैं, ओके, और इसको हम ओनली b भी बोलते हैं, ओके। ये ओनली ए है, ये ओनली बी है, और ये ए यूनियन बी है, ये वाला, ओके, और ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है। ये मैंने चार वेन आरेख, वेन डायग्राम आपको यहां पर एक्सप्लेन किए हैं, कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार गौर से इनको देखना है, समझना है, और इनकी जो थीम है उसको पकड़ना है, फिर आपको अपने आप बनाना आएगा, आपको पता चलेगा कैसे बनाते हैं, वेन आरेख कैसे शो होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा यूनियन, इंटरसेक्शन और वेन आरेख, ये तीन पॉइंट पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, इनको अच्छी तरह देखना है, समझना है, तैयार करना है, बुक में से सारे इसके नोट्स पढ़ने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।